मम्मी प्रणाम 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 प्रणाम। हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू लंगूर देव, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी नमस्ते। आज क्या बन रहा है दीदी? चिकन चिकन बन रहा है क्या? व्हाइट चिकन? बटर चिकन। बटर चिकन, अरे वाह। बच्चे का है बेबी। मैंने पूरी अरेंजमेंट नहीं करा था, खुद बनाओ खुद खाओ, क्योंकि तुमने तूने मेरे कान के पहन रखे हैं। मेरे हैं ये। अच्छा ठीक है। तेरे को भी ऐसे हो सकते हैं? हाँ सब सबको पता है मेरी चॉइस कैसी है। बेबी अच्छा लगा व्यू को? खेल रहे है बेबी? बेबी खेल रहे है? क्या कर रहे हैं? कुंडल पहन रहे हैं। कुंडल पहन रहे हो? रिद्धु अब नाक में दर्द तो नहीं हो रहा बेटा? देखा बोला था ना मौसी ने। ये क्या लेकर आए? ले सोना चांदी कांच क्या है, दिल होना चाहिए देने वाले का। और क्या मतलब है? जिसको बहुत है पैसे मिले। बच्चों को ज्यादा एक्साइट हो रही है। देखो इनको, देखो क्या है बच्चों, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये दीपक का गिफ्ट। अच्छा ये खोती रहे दोनों बच्चों की पिटाई? नहीं, चूड़ी के अंदर है। इसकी जरूरत वैसे मुझे ज्यादा रहती है, जूड़ा स्टिक की। चूड़ी के अंदर हाँ ऐसे ले तो आते हैं। और क्या? अच्छा क्लेचर भी आ रहे हैं, वाह। अंदर भी एक क्लेचर। क्या एक हम भी ले सकते हैं क्लेचर? ले ले। और मेरा गिफ्ट तो होता है कि बाहर जाके डिनर करने का। बस एक एक तो ब्राउन ले आते, एक तो गिफ्ट भी ला रहे हैं। जी जी मैचिंग। बेचारे ऑफिस से लंच टाइम पे जा रहे हैं पर्स लेने के लिए, मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं कि मन्नू ये ठीक है। वाओ बोल रहे हैं तो पेंटिंग में लगाने वाला है। मेरा हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करा है। हाँ चल जा फिर, रेडी हो जा, रेडी हो जा। बेबी फोटो देखो। किसका फोटो देखो? दिखाओ। ओ इसको गिराइयो मत। तुम बच्चों का क्या काम है यहाँ पर? हो चुकी है रीना दी रेडी। आइए भाभी। हाँ
क्या प्लान है फिर, कितनी देर में काट रहे हैं केक? फोटो खींचनी है। क्या है पेन? ऐसे तो बेटा मम्मी ऑफिस से कितने ले आती है पेन? ये भी हमारे पापा ले जाएंगे। ये क्या है? ये तो पुराने वाला हिसाब किताब कर दिया है जैसे पिछले बर्थडे में किया था हमने। वेरी गुड। अरे ये इसमें सेकंड आ गया यार, सारा भी है। सबसे बेकार है, सारे पुराने पुराने पेन दे रखे, ये पुराने पेन नहीं है। तो बच्चे इतना दे भी रहे हैं। चलो बच्चों अब साइड हटो, साइड हटो बच्चों। तू तो हर उसमें साड़ी को खराब करती है। बच्चों बच्चों इधर आ जाओ, ये देखना। ये दोनों मम्मी से झुक के आशीर्वाद ले यार। सूट का कलर ही देख रही हूँ, नहीं कि वो केक कोई बात में देख रही वो सूट ही देख रही है। मम्मी के लिए एक रिंग लाई हूँ। ये तो अच्छा गिफ्ट है भाई। चलो बस सब बच्चों ने तो सबसे ज्यादा मस्ती करी है।
केक चूठा कर करके अब दीदी उसको अंदर लेकर जा रही है और हम सबको केक देगी। दीदी वो पिछन भी हाई कर रही है, बड़े होके इन्होंने भी ब्लॉगर ही बनना है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बड़े होके ये दीदी केक काट रही है। और ये देखो ये जुगाड़ वाली प्लेट्स हमारे पास गत्ते को यूज कर रहे हैं हम। क्यों दीदी? हम साइज को यूटिलाइज करते हैं, वेस्ट नहीं लाते हैं। हां थैंक यू सभी के लिए, सबने मुझे सरप्राइज पार्टी दी, स्पेशली भाभी। भाभी गांव से आई है मेरे बर्थडे मनाने के। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। बहुत दूर से अपना मायका छोड़ के है। चलो चल चल। अदरक हो तो अदरक, अदरक नहीं है इसमें, प्याज लहसुन। पहले आपने उसे पहले तेल में खड़े मसाले डाल दिए, फिर प्याज डाला, थोड़ा भून दिया हल्का सा, उसके बाद चिकन डाल दिया, लहसुन काली मिर्च, उसके बाद लास्ट में मसाले डाल के मैं सबको बता रही हूँ कि देख तेरे यहाँ पर भी वो काइंड ऑफ फैंस है कि वो तेरी बनाई हुई चिकन की रेसिपी पूछ रहे हैं। सो इससे पता लगता है कि दी कितना अच्छा खाना बनाती है, तो दी को कुकरी चैनल खोलना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके बताइए हमें। हम लोग अभी चाउमीन खा रहे हैं एंड कुसुम वी आर मिसिंग यू, क्योंकि तुझे रीना दी के हाथ की चाउमीन बहुत टेस्टी लगती है। और यकीन मानना कि अगर तूने मीना दी के हाथ का चिकन खा लिया ना, फिर तो तू बोलेगी बस कि मनीषा चल मीना दी कब चिकन बनाई है, चल जब भी मीना दी चिकन बनाए लेकर आ। बना रखा है मीना दी ने चिकन। हाँ वो सकते हो तो आ जाओ, अब तो नहीं आ सकती वो। और वैसे भी ये ब्लॉग बाहर उसका मन बहुत था, उसे घर में प्रिपरेशन करनी थी, इस वजह से वो नहीं आ पाई। शादी है ना फरवरी में, तो उसको मना रहे हैं वो लोग, तो इस वजह से कुसुम हम तेरे को मिस कर रहे हैं। और चौमिन नहीं बची तो इसलिए कल ऑफिस में नहीं आ सकती, मुझे बोलती कल ऑफिस में लेकर आना, हमारे लिए कम पड़ गया, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए बहुत सही बनाऊंगी। हाँ तो अब इसके बाद हम लोग खाएंगे चिकन, आप लोग को चिकन भी दिखाते हैं। ये तो ये हाथ से बोलती है, हाथ से स्वाद आता है, प्योर गढ़वा ली है चौमिन का स्वाद मुझे रेस्टोरेंट में भी जाती है ऐसे हाथ से। और हमारी इंसल्ट करवाती है। तो ये दी ने ड्राई चिकन बनाया हुआ है, देखो कैसा बना दीदी। दी तो बहुत टेस्टी चिकन बनाती है, मैं भी बनाती हूँ, मेरे से अच्छा दीदी बनाती है। हाँ और मैं कैसा बनाती हूँ? तेरे हाथ का मैं ना खाया है ना तूने कभी खिलाया है। ये ताना मार दिया तूने, बता है तेरे बर्थडे में सबको एक तो इकट्ठा किया और ऊपर से ताना मार रही है। तो दोस्तों आज की रीना जी की बर्थडे पार्टी यहीं पर फिनिश होती है। हम फिलहाल चिकन बिल्कुल मैं बोल रही चिकन फाड़ने वाले हैं, चिकन खाने वाले हैं। भाभी नहीं खाती हमारी ना,
तो भाभी डर के मारे केक भी नहीं खाती। हाँ बेबी बोलो, अभी खिलाऊंगी चाउमिन को। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, दोनों जब जिया जी और का दोनों का बर्थडे होगा उसमें हम मिलेंगे, जो कि 3 दिन बाद ही है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम लोगों ने सुनील जिया जी को बहुत ज्यादा मिस किया है। क्यों? हमने जिया जी को बहुत मिस किया है। जिया जी किसी काम को लेके, ऑफिशियल काम को लेके लेट हो गए, बाहर गए हुए हैं वो, तो इसलिए हमने उनको बहुत मिस किया। और उनके बर्थडे में हम लोग फिलहाल मिलेंगे और उनके बर्थडे में भी हम लोग खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। सुनील जिया जी और दीपक जिया जी दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है, तो उनका बर्थडे हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे सब लोग। जिया जी तब तक आ जाएंगे। तो हम लोगों ने इस बर्थडे पे बहुत जिया जी को मिस किया। अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप लविंग।